तमिल फिल्मों के बड़े स्टार्स की बात करें तो उसमें सूर्या का नाम काफ़ी ऊपर आता है, और एक स्पेशल डायरेक्टर की बात करें तो शायद सेल्वाराघवन का नाम इस लिस्ट में टॉप पे आता है। अब ऐसे में जब ये दोनों एक फिल्म के लिए साथ आते हैं तो फैंस का एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल वहीं टूटता है जहाँ पर उम्मीद थोड़ी ज़्यादा होती है। कुछ वैसा ही हुआ है फिल्म NGK के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ NGK। NGK का फुल फॉर्म है नंद गोपालन कुमारन, जो एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड यंगस्टर हैं। इनकी लाइफ चेंज हो जाती है जब ये अपना जॉब क्विट करके फार्मर करने का डिसीजन लेते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अपनी ईमानदारी के लिए काफ़ी फेमस हैं और छोटे छोटे बच्चे इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। NGK जब भी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो खुद से पहले बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। उनका सपना है देश में करप्शन को ख़त्म करने का और लोगों की लाइफ को बेटर बनाने का। NGK की लाइफ में ट्विस्ट आता है जब उनको कुछ टफ सिचुएशन की वजह से पॉलिटिक्स में उतरना पड़ता है, और वहाँ पर उनका सामना होता है कुछ घटिया पॉलिटिशियन से जिनका लाइफ में सिर्फ एक टारगेट है, खूब सारा पैसा कमाना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। NGK के अलावा फिल्म में दो फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं। पहला कैरेक्टर है गीता नाम का, जिसको प्ले किया है साई पल्लवी ने। गीता NGK की वाइफ हैं और हर डिसीजन में उनको पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। अगर NGK कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो गीता उनके साथ खड़ी हो जाती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं। दूसरा कैरेक्टर है वानिती नाम का, जिसको प्ले किया है रकुल प्रीत सिंह ने। वानिती एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जिनका काम है इलेक्शन के टाइम पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाना। इनकी लाइफ में जब NGK की एंट्री होती है तो ये उनकी स्मार्टनेस से काफ़ी इंप्रेस्ड हो जाती हैं और उनको अपना दिल दे बैठती हैं। लेकिन सेल्वाराघवन एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने फिल्म्स में फीमेल कैरेक्टर को काफ़ी पावरफुल और इम्पैक्टफुल रोल में दिखाते हैं, लेकिन NGK में इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता एक पजेसिव वाइफ के रोल में है जो खुद के दिमाग से कुछ भी नहीं सोचती और अपने पति की बातों पे आंख बंद करके भरोसा करती हैं। वहीं वानिती का रोल फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके रोल को पूरी तरह वेस्ट कर देते हैं फिल्म में डाले गए जबरदस्ती के रोमांटिक सॉन्ग्स, जो ना तो स्टोरी को और ना ही सूर्या को सूट करते हैं। एक टाइम के बाद आप सॉन्ग से इतना इरिटेट हो जाते हो कि अगर आपके पास रिमोट होता तो आप वो सीन्स को पक्का स्किप कर देते। लेकिन तारीफ करनी होगी फिल्म के स्ट्रॉन्ग टॉपिक की, जिसके बारे में आज हमें सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है। हमारे कंट्री के यूथ हमेशा पॉलिटिक्स को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लेकिन खुद पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। ऐसे में NGK जैसी फिल्म उनको कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए मोटिवेट करती है, जिसके लिए डायरेक्टर की तारीफ करना जरूरी है। सूर्या जैसे बड़े स्टार की डेट जब सेल्वाराघवन जैसे डायरेक्टर को मिलती है तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो एक ऐसी मास्टरपीस फिल्म बनाए जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नए रिकॉर्ड सेट कर दे। लेकिन NGK एक परफेक्ट फिल्म बिल्कुल नहीं है। शायद डायरेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था एक मेगा स्टार के लिए मासी स्टोरी बनाने का, जिसमें वो पूरी तरह फेल हो गए हैं। फिल्म लगभग 2.5 घंटे की है, और अगर आप इसको एंड तक देख पाते हैं तो उसका सिर्फ एक रीजन है, सूर्या की पावरफुल अनैचुरल एक्टिंग जो आपको सीट पर बांध कर रखती है। फिल्म की स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन सूर्या ने अपने रोल को स्ट्रांगली प्ले किया है। वो जब जब स्क्रीन पर आते हैं तब फिल्म के अंदर जान आ जाती है, लेकिन सूर्या सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं, वो फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी अच्छे पेस पे चलता है और काफी एंटरटेनिंग है, लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। सेकंड हाफ में फिल्म अपना फोकस पूरे तरीके से लूज कर देती है। जहां पे फिल्म को पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस डालना चाहिए, वहां पे फिल्म सूर्या और रकुल प्रीत के अफेयर को सेंटर में कर देती है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी में जबरदस्ती डाले गए हैं। फिल्म का थीम है पॉलिटिक्स, जिसमें फोकस मेंटल स्ट्रेंथ और माइंड गेम्स के ऊपर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर ने पता नहीं क्यों ऐसे फाइट सीन मूवी में डाल दिए जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन सूर्या का स्टारडम इतना है कि फैंस उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और उनके हर एक्शन सीन और डायलॉग पे तालियां बजाते हैं। लेकिन एक जनरल ऑडियंस ऐसे सीन के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाती। एक ऐसी स्टोरी जहां पे इमोशन को सबसे आगे रखना चाहिए था, ऐसे में डायरेक्टर ने सूर्या को मार धाड़ वाले फालतू के सीन में फंसा दिया। युवान शंकर राजा के सॉन्ग्स काफी अच्छे हैं, लेकिन फिल्म में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। एक ट्रेन सॉन्ग भी है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े लीडर नाचने गाने लगते हैं। अब आप खुद सोचो, पिछले सीन में जिस बंदे को फिल्म का विलन दिखाया जा रहा है वो अगले सीन में हीरो के साथ नाचने गाने लगे, तो इसमें आपको कोई लॉजिक समझ आता है क्या? मैं तो फिल्म से बुरी तरह डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि NGK से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी। अब ऐसे में जब एक एवरेज फिल्म आपके सामने रख दी जाती है तब आपका दिमाग खराब होना नॉर्मल सी बात है। सूर्या ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन डायरेक्टर ने ऑडियंस के साथ साथ एक टैलेंटेड एक्टर को भी पूरी तरह लेट डाउन कर दिया है। फिल्म ना तो पूरे तरीके से एक मास एंटरटेनर बन पाती है और ना ही एक पॉलिटिकल मास्टरपीस बन पाती है। 2 घंटे की स्टोरी एकदम ऊंचे लेवल से स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे एकदम नीचे गिर जाती है। सेल्वाराघवन से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मेरी तरफ से NGK को 5 में से 2.5 स्टार, 1 स्टार सूर्या की कमाल की एक्टिंग के लिए, 1 स्टार फिल्म के कलरफुल शूट लोकेशन के लिए और 0.5 स्टार फिल्म के स्ट्रॉन्ग और रियल सब्जेक्ट के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा देना। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।